कल शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें से हम लोगों ने टोटल 88 लोगों को यहाँ से निकाला है। 88 में से 14 लोग जो है वो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है, बाकी 31 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है और कुछ लोग जो है अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। रात को हमें 2 बजे जब ये हाइड्रोलिक क्रेन की सहायता मिली तो क्रेन के सहायता से हमने 3 गिर्डर को उठाया था और 3 गिर्डर के नीचे हम लोगों ने जो 4 व्हीलर्स है 4 व्हीलर्स में दबे हुए 9 बॉडीज को निकाला, जिसको डॉक्टर ने फिर मृत घोषित किया। सर अभी कितने लोग फंसे हुए सकते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अभी 2 गिर्डर जो है हम लोगों ने अभी तक सर्च नहीं किए है, 2 गिर्डर के नीचे कुछ लोग फंसे होने की शक्यता है, मतलब हो सकते हैं, तो वो 2 गिर्डर हम लोग हाइड्रोलिक क्रेन के सहायता से उठा रहे हैं और जो क्रेन से सहायता से उठ जाएगा उसके बाद हमारा सर्चिंग ऑपरेशन शुरू होगा, फिर सर्च के बाद पता चलेगा कितने लोग वहाँ पे और फंसे हुए। और कितना समय लगेगा सर, क्या क्या तकलीफें आई सर्च करने के लिए? एक्चुअली ये मेटल है, मेटल को कट करने के लिए हमारे पास गैसोलिन कटर है और ऑक्सीफ्यूल कटर्स है, लेकिन हम लोग उसको यूज यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पूरा पेट्रोल और डीजल है, अगर हम उसको यूज करेंगे तो फायर का भी चांसेस, एक्सप्लोजन का भी चांसेस है, इसलिए हम लोग जो है मैन्युअली सब काम कर रहे हैं और हाइड्रोलिक मशीन्स का यूज कर रहे हैं। क्या बोले जाए आता, क्या रेस्क्यू किया, सायंकाळ पासून इथे टोटल 88 बॉड्या काढले, 88 लोकांना काढलेल्या आहेत, त्यापैकी 14 जणांचा डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलेला आहे, 31 जणांना डिस्चार्ज केलेला आहे आणि रात्री 2 सुमारास आम्ही हायड्रोलिक जॅकच्या सहाय्याने, हायड्रोलिक क्रेनच्या सहाय्याने गिर्डर उचलले आणि त्यानंतर आम्हाला 4-चाकी वाहनांमध्ये काही लोक फसलेले दिसले होते, त्यांना आम्ही 9 लोकांना काढलं, त्या 9 लोकांना मग डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं आणि आता आमचे 2 गिर्डर जे आहेत ते सर्च करायचे राहिलेले आहेत, त्याच्या खाली पण काही फसून असल्याची शक्यता आहे, ते 2 गिर्डर आम्ही हायड्रोलिक क्रेनच्या सहाय्याने उचलणार, त्यानंतर एनडीआरएफची टीम तिथे सर्च करणार। त्रास हाच झाला की याच्यामध्ये आम्ही जे आमचे कटिंग इक्विपमेंट्स आहेत ते यूज करू शकलो नाही, कारण ते इथे पेट्रोल आणि डिझेल असल्यामुळे जे पण आमचे गॅसोलिन बेस्ड कटिंग इक्विपमेंट्स आहेत त्याचा आम्हाला काही फायदा झाला नाही, आम्ही इथे सर्व हायड्रोलिक जे हायड्रोलिक बेस्ड इक्विपमेंट्स यूज करून झालो आणि इथे एनडीआरएफच्या 2 तुकड्या आहेत, 1 28 आणि 1 25 लोकांचे 2 तुकड्या इथे आम्ही काम करून। मी असिस्टंट कमांडंट निखिल मधुरकर। After receiving a call from BMC, we reach here and start our rescue operation. In that, total 88 persons we have recovered, in which 14 were declared dead by doctors and 31 are discharged by the hospital. Near about 2 a.m. in the morning, with the help of this hydraulic crane, we searched total 3 girders and in the 4 wheelers we found 9 people, and after giving to the doctor declared them as a death. Problem with the situation is that we are not able to use our gasoline based cutting equipment as it is a petrol pump, and we are total 2 teams here, 28 and 25. Thank you. हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।